और नेकेड फोटोशूट की वायरल तस्वीरों की वजह से रणवीर सिंह गिरते हुए नजर आ रहा है। मुंबई के चैंबूर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। युवा पीढ़ी पर इससे बुरा असर पड़ेगा, इसको लेकर तहरीर दर्ज करवाई गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर धाराओं में केस और रणवीर की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। बीजेपी नेता और एडवोकेट अखिलेश चौबे ने शिकायत दर्ज कराई है। तो रणवीर सिंह ने बीते दिनों न्यूड फोटोशूट करवाया था, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा और कुछ लोगों ने आक्रोश भी जताया, इसको लेकर मांग भी की गिरफ्तारी की। लेकिन अब मामला दर्ज करवा दिया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मांग यही है कि रणवीर सिंह की जल्द ही गिरफ्तारी। नग्नता बहाना, मकसद हिजाब पर भड़काना, रणवीर के फोटो शूट पर छिड़ा धर्म युद्ध। न्यूड फोटो शूट पर फंस गए रणवीर। अभिनेता रणवीर सिंह का नेकेड फोटो शूट विवादों में घिरता जा रहा है। रणवीर ने एक मैगजीन के लिए बिना कपड़े पहने फोटो शूट करवाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। और पहले इसे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने हिजाब विवाद से जोड़ने की कोशिश की, तो अब रणवीर के खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये पोस्ट युवा पीढ़ी पर गंभीर और बुरा प्रभाव डालेगा। बीजेपी नेता और एडवोकेट अखिलेश चौबे ने शिकायत दर्ज कराते हुए रणवीर सिंह को गिरफ्तार तक करने की मांग की है। ये जो इंडस्ट्री की नग्नता है उसको ये रोड पे ला रहे हैं। सोशल मीडिया में अब तक कोई सेंसर नहीं हुआ है। स्टार अगर इस तरह के फोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया में डालते हैं तो इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमने डॉक्टर श्याम ललित श्याम के माध्यम से एक कंप्लेन दर्ज की है और हमारा पुलिस स्टेशन से हमारी मांग है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि फिल्म डार्लिंग के ट्रेलर लॉन्च पर आलिया से जब इस बारे में उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अपने फेवरेट एक्टर के बारे में वो कुछ भी ऐसा नहीं सुनना चाहेंगी, न ही ऐसे सवाल को बर्दाश्त करेंगी। I don't like anything negative said about my favorite Ranveer Singh. तो मैं ये question को मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। I love him. He'll be eternally a favorite to every one of us actually, and he's given us so much at the movie, so we should only give him love. हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र चीफ अबू आजमी ने ट्वीट कर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को हिजाब विवाद से जोड़ते हुए सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि अगर न्यूड फोटो सार्वजनिक करना आर्ट और आजादी है तो अपनी मर्जी से बदन को हिजाब से ढकना उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव क्यों कहा जाता है, हमें आखिर कैसा समाज चाहिए। रणवीर के इस फोटो शूट से सनसनी मची हुई है। पहले ये फोटोज वायरल हुई, फिर मीम्स बने, फिर अभिनेता ट्रोल हुए, रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण का रिएक्शन आया और अब बाकी सेलेब से न्यूड फोटो शूट पर उनकी राय पूछी जा रही है। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि करोड़ों फैंस के लिए जो हीरो है उसके ऐसे कदम से लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। अपने फोटोशूट की वजह से रणवीर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।